हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रेग्नेंट महिला तरबूज खा सकती है क्या, और साथ में ये भी बताएंगे कि तरबूज खाने के फायदे प्रेगनेंसी में क्या हैं। क्या मैं प्रेगनेंसी के बाद तरबूज खा सकती हूँ? क्या गर्भवती महिला को कौन सा फल ज्यादा खाना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान कौन से फल से बचना चाहिए? ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट महिला तरबूज खा सकती है क्या। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, इसे बूस्ट करने के लिए आप तरबूज खा सकती हैं। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है जो प्री एक्लेम्पसिया के जोखिम को कम कर देता है। फाइबर होने के कारण गर्भावस्था में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करता है तरबूज का सेवन। चलिए अब हम जानते हैं कि तरबूज खाने के फायदे क्या हैं प्रेगनेंसी में। जो गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों जैसे मॉर्निंग सिकनेस, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सीने में जलन, गैस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तरबूज में मौजूद कूलिंग प्रॉपर्टीज पेट की जलन गैस को शांत करने में मदद करती है। चलिए अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिला को कौन सा फल ज्यादा खाना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार कीवी, चेरी, आम, अमरूद, नाशपाती, सेब, चीकू, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, अनार, शरीफा, खरबूजा, संतरा, केला इत्यादि फल खाना चाहिए। क्या मैं प्रेगनेंसी के बाद तरबूज खा सकती हूँ? तो चलिए जान लेते हैं। तरबूज, खरबूजा, हेनड्यू जैसे उच्च पानी वाले फल सभी तरल पदार्थ से भरपूर होते हैं और विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नियासिन से भरपूर होते हैं। जन्म के बाद अधिकांश माताओं में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि अधिक स्तन दूध बनाने के लिए हाइड्रेटिंग महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन हाइड्रेटिंग फलों का लक्ष्य आपके दूध की आपूर्ति में सहायता कर सकता है। चलिए जान लेते हैं गर्भावस्था के दौरान कौन से फल से बचना चाहिए। पपीता या अस्पष्ट कारणों से सूची में सबसे ऊपर है। कच्चे या आधे पके पपीते में लेटेक्स होता है जो समय से पहले संकुचन पैदा कर सकता है और यह आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमको पपीते से जो है बचना चाहिए। हालांकि पका पपीता विटामिन और आयरन से भरपूर होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।